एम्प्लॉयमेंट आधा हम लोग पढ़ चुके थे, तो ये एम्प्लॉयमेंट पार्ट टू चल रहा है आप लोगों का। तो इसमें जितनी बातें लिखोगे सब काम की है, ध्यान रखना पेपर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, तो अगर अपन सिस्टमेटिक बात करें तो लास्ट टाइम में हमने ये बात पढ़ ली थी कि मेल फीमेल का पार्टिसिपेशन क्या रहता है। अब अगर थोड़ा सा और फैक्टर्स को देखें तो आपके सामने, अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करूं तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है आपका वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एक क्या है आपके पास प्राइमरी सेक्टर, सेकंड क्या है आपके पास सेकेंडरी सेक्टर, एंड द थर्ड वन इज व्हाट टर्शियरी सेक्टर। तो अगर अपन बात करें कि 44.6% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन व्हाट प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ क्या आता है, तो सर प्राइमरी सेक्टर में तुम्हारा एग्रीकल्चर आ गया, मतलब मेनली तो वैसे एग्रीकल्चर ही होता है। तो अब आप जो ये माइनिंग कोयला वोयला, कोयले की खदान होती है, ये सब होती है, तो माइनिंग हो गई, कहीं ना कहीं आपकी कुछ फिशरीज या एनिमल हस्बेंड्रीज हो गई, इसमें ये पार्ट आ गया। मतलब आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आधा देश जो अपन ग्रोथ की बात करते हैं, अगर आप और मैं इंदौर में रह रहे हैं और हमारे आसपास मॉल्स और बड़ी बड़ी सोसाइटीज बन रही हैं, ये इंदौर जो है पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का एक्सेप्शनल शहर। अगर आप इंदौर, मुंबई, दिल्ली, ये एक्सेप्शन है, पूरा इंडिया इंदौर में नहीं रहता, दिल्ली में नहीं रहता, आपका आधा इंडिया गांव में बसता है। तो ये इनडायरेक्टली एक पॉइंट एक्ट कर रहा है कि हमारे देश के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नहीं 44.6% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कहां से आता है, प्राइमरी सेक्टर से। लेकिन इसका रेट ऑफ रिटर्न अगर मैं बात करूं, रेट ऑफ रिटर्न बोल दूं या मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी अगर मैं बात करूं, तो अप्रोक्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी, मतलब जो हमारे देश की पूरी नेशनल इनकम होती है एक प्रकार से, तो नेशनल इनकम में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 21%। तो सर ये तो उल्टी बात है, मतलब देश के मैक्सिमम लोग काम यहाँ पे कर रहे हैं लेकिन जो देश की कमाई हो रही है वो यहाँ से कितनी हो रही है 21%। इसका मतलब एक और इंटरप्रिटेशन यहाँ से आता है कि यहाँ पे सारे लो पेड जॉब्स। आप सोच लो ना, गाँव में आपको नॉर्मली किस बात की नौकरी मिलेगी और एवरेज सैलरी क्या मिलेगी? ऐसा तो नहीं बोलेंगे जाके खेतों में पानी देके 2 लाख रुपए बना ले, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। तो ठीक है, लेकिन हाँ, ऑन द कंट्री अगर आप टर्शियरी सेक्टर में जाओगे, कोई आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाओगे, तो आपको बोलेंगे वर्क फ्रॉम होम कर, तो भी 2 लाख रुपए मिला ले, क्योंकि उसकी क्वालिटी वर्क है, गेटिंग इट। तो ये इंडिया की एक प्रकार से इनडायरेक्टली इस तरफ लोकेट कर रहा है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ इंडिया दिख तो रहा है, बहुत ग्रो हो रहा है, बट जिन लोगों को मैक्सिमम पॉपुलेशन में जॉब मिला हुआ उसको क्या है, लो पेड जॉब मिला। अगर अपन बात करें तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बात करूं, तो हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वहां पे 24.4% लोग हैं। सर सेकेंडरी सेक्टर मतलब अगर मैं बात करूं, अब से मान लो पूरी पूरी फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और कहीं ना कहीं अब आने वाले टाइम में, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चाइना आगे बढ़ रहा है वो सिर्फ इसके कारण बढ़ता है मैन्युफैक्चरिंग। हमारे इंडिया में उतनी क्वालिटी लेवल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं। तो अगर मैं बात करूं, आप जितनी भी चीज लेते हो उसमें से मैक्सिमम चीजें क्या होती है, आपके फोन्स, आपकी कार्स, आपके इवन कपड़े तक बाहर से मैन्युफैक्चर होकर आते हैं। अगर आप फोन देखोगे तो आईफोन ले रहे हो तो आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है। हाँ, ये बात अलग है, अभी इंडिया में कंपनी खुल गई है, अब होना चालू होगा, बट इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा। जूते लेते हो आप एडिडास, नाइकी के, उसकी फैक्ट्री इंडिया में तो है नहीं। अगर आप टीवी लेते हो सैमसंग का, तो कोरियन कंपनी। अगर आप टीवी लेते हो सोनी का, तो वो आपकी अगेन शायद जापानीज, नहीं जापानीज कंपनी है वो। तो कहने का मतलब आप खुद के देश की बनी हुई चीज क्या ले रहे हो, कुछ भी तो नहीं ले रहे। इसका मतलब आपके देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो 24.4% है, बट स्टिल इसका कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी अप्रोक्स 35% है। ठीक है ना, तो 35% एग्जैक्ट लें तो आप थोड़ा सा इसको 33 के अराउंड ही लें तो वो ज्यादा सही रहेगा। अगर टर्शियरी सेक्टर की बात करूं तो आपके देश की 31% ऑफ द पॉपुलेशन है। टर्शरी मतलब आप जितने भी, अगर मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करूं, सर्विस इंडस्ट्री देख रहे हो, सर्विस में सबसे बड़ी इंडस्ट्री आ गई आपकी आईटी। सर्विस में आपकी जो हम टीचर्स और प्रोफेशनल्स हैं, क्या वो सब भी इसमें आ गए? डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एमबीएस, वो सब क्या इसमें आ गए? हाँ, इवन जितना भी बिजनेस है, बिजनेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, जो आप दुकानें देख रहे हो, जो आप मॉल्स देख रहे हो, तो मॉल्स मैन्युफैक्चरिंग तो ना, मॉल्स में खिलौना बन थोड़ी रहा है, मॉल्स में चीजें बिक रही हैं। तो आप के जितनी भी शॉप्स देखते हो वो सब टाइम में आती है टर्शियरी सेक्टर। और अगर अपन बात करें तो 31%
पॉपुलेशन यहाँ पे एम्प्लॉयड है और यहाँ का रिटर्न अप्रोक्सीमेट 46% है, मतलब यहाँ पे एक्चुअल इनकम का सोर्स, लेकिन यहाँ पे लोग कितने एम्प्लॉयड है सिर्फ 31%। अब कुछ चेक लो ना, टर्शियरी सेक्टर में कोई भी होगा जो खुद की दुकान लेके बैठा है, या कोई सीए है, या कोई डॉक्टर है, या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसको अल्टीमेटली पैसा क्या मिलता है, ज्यादा एज कम्पेयर टू किसी फैक्ट्री के वर्कर्स गेटिंग इट। तो सर अगर अपन देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको ये भी बोल सकते हैं कि जहां पे मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है वहां पे उतना रिटर्न नहीं है। तो सर कहीं ना कहीं किस तरफ ये इशारा करता है, इशारे बहुत सारे करता है, लेकिन अपन अगर इसको बोले तो दूसरा एक रेशो देखोगे ना तो उस रेशो से आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि इंडिया के पास ग्रोथ है। पहला इनपुट ये कि जॉबलेस ग्रोथ, सर जॉबलेस ग्रोथ है इसका मतलब क्या, अब इसका आउटपुट क्या, अगर मैं बोलूं रिलायंस अपना प्रॉफिट शो कर रहा है 40 लाख करोड़ और अपनी बेटी की शादी में आमिर खान को बोल रहा है 2 करोड़ रुपए ले और सबको खाना परोस, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या तुम्हारे देश का हर इंसान 40 लाख करोड़ कमा रहा है, एक कंपनी कमा रहा है, गेटिंग इट। बट अगर मैं एवरेज हर इंसान की एवरेज पर कैपिटा इनकम जो बोली जाती है इंडिया की अब हो गई है 65,000 के अप्रोक्स, तो क्या हर इंडिविजुअल 65,000 कमा रहा है, नहीं, इसमें इसके 40 लाख करोड़ है और किसी और के महीने की इनकम सिर्फ 8,000 रुपए, गेटिंग इट। तो इसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, तो हो रही है। आज कोई भी आईटी सेक्टर का इंसान या कोई भी छोटी मोटी ऐप डेवलपमेंट करने वाला इंसान का पैकेज 2 से 3 लाख रुपए महीना हो जा रहा है और जो गाँव में या आपके घर में मेरे घर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी 200 रुपए 500 रुपए 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से, इसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, पहला इनपुट ये। सेकेंड इनपुट जो आपको पूछेंगे कि आपसे इससे क्या, लूप साइडेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सर लूप साइडेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब क्या है, अभी देखो कहीं ना कहीं बोलूं तो आपका मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कहां पे, प्राइमरी सेक्टर, क्या हर सेक्टर में इक्वल है क्या, नहीं, तो आपका एक प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है मतलब लोग ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, ऑन द कंट्री जहां पे लोग कम है वहां पर आउटपुट क्या मिल रहा है, सर ये फर्स्ट इनपुट हुआ। अगर मैं सेकंड बात करूं तो अगर अपन लूप साइडेड बोले तो कुछ स्टेट्स में पूरे इंडिया की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी काफी हाई है। अगर आप सेंट्रल इंडिया की बात करते हो, महाराष्ट्र की बात करते हो, आप एमपी की भी बात करते हो, आप गुजरात की बात करते हो, आप राजस्थान की बात करते हो, आप थोड़ा बहुत कर्नाटक की बात करते हो तो बहुत दिल्ली में बहुत एम्प्लॉयमेंट। बट अगर मैं उसको बचपन में पढ़ा था 7 सिस्टर्स ऑफ हिमालय, सिक्किम, मेघालय, वो स्टेट्स के हमको नाम भी पता नहीं, तो इसका मतलब क्या वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट है क्या, नॉर्दर्न जम्मू एंड कश्मीर में अब एम्प्लॉयमेंट होना शुरू हुआ, वरना वहां पे क्या एम्प्लॉयमेंट है क्या, नहीं। तो ये अगेन लूप साइडेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब क्या सेंट्रल इंडिया के पार्ट में तो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है, बट जहां मैं अगर आपको बोलूं आप चले जाओ वेस्ट बंगाल, आधे लोग अनएम्प्लॉयड है, मतलब वहां पे मतलब लोग आप बहुत ही ज्यादा गरीबी है, जबकि एक टाइम पे अगर मैं बोलूं बिफोर इंडिपेंडेंस तो इंडिया की कैपिटल हुआ करता था कलकत्ता, जो ब्रिटिशर्स को हक चाहिए था सिर्फ कलकत्ता पे चाहिए था, क्योंकि ये इंडिया की एक प्रकार से अर्निंग कैपिटल बोला जाता था, या अगर मैं बात करूं तो कैपिटल अर्निंग सिटी बोला जाता था कलकत्ता, यहाँ पे बिल्कुल जॉब्स ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं लूप साइडेड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब क्या कि कुछ स्टेट्स में खूब जॉब है, स्टेट में कोई जॉब ही नहीं, इसलिए बिहार वाले लोग कहाँ आते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं, मुंबई आते हैं, यहाँ पे जॉब करने आते हैं। तो दिस इज नोन एज लूप साइडेड, अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है ना। एक और इस चीज पे है कि एम्प्लॉयमेंट अगर मैं बोलूं तो तीसरा एक फैक्टर जो आपने लास्ट क्लास से कनेक्ट करना पड़ेगा, जेंडर बायस। क्या सर आज भी जेंडर बायस है, टू बी वेरी फ्रेंक, यस, मेल वर्कर्स को प्रेफरेंस दी जाती है ओवर फीमेल वर्कर्स। अगेन मैं आपको बोलूंगा मेट्रोपोलिटन सिटीज को कंपेयर मत करना, इंदौर को कंपेयर मत करना, बट अगर मैं आपको बोलूं मोस्ट ऑफ द इंडिया में आज किसी जॉब को करना है तो मैं चाहूंगा प्रेफरेबली मेल इंस्टेड ऑफ फीमेल। सब आए फैक्ट्री में फीमेल को बुलाना मतलब उसको लेट टाइम रोक नहीं सकते, आप उससे ओवरवर्क नहीं कर सकते, अगर उसको कहीं पे ट्रेवलिंग पे भेजना है तो फीमेल के पास ट्रेवलिंग अकोमोडेशन कंपेरेटिवली कम होगा, तो आप उसको अपनी जॉब से अपनी सिटी से बाहर नहीं भेज सकते, तो आप फीमेल वर्कर को इसलिए देते नहीं हो। फीमेल वर्कर्स बहुत सारी लीव मांगती हैं क्योंकि घर के काम होते हैं, घर के कमिटमेंट्स होते हैं, तो अगेन वहां पे आपको फीमेल वर्कर जल्दी मिलेगी। तीसरा कुछ लोग ये बायसनेस है कि मेल वर्कर ज्यादा एफिशिएंट होता है कंपेयर टू फीमेल वर्कर, ये बायसनेस
हमारी सिटीज में कंपेरेटिवली कम है. हमारे लिए ये रहता है कि उल्टा फीमेल ज्यादा डिसिप्लिन होती है एज कम्पेयर टू मेल वर्कर्स. अगर मैं मेरा माइंडसेट बताऊं, मेरे तो बहुत इजी रहता है कि यहाँ पे डिसिप्लिन लेवल हाई रहता है एज कम्पेयर टू मेल वर्कर्स. बट इंडिया की बात करें तो फार्मिंग एक्टिविटी हो गई, फैक्ट्री एक्टिविटी हो गई, किसी और अगर आज मॉल में कोई शॉप 12 बजे तक खुली हुई है तो फीमेल वर्कर्स को कैसे रोक सकता है? वो तो बोलेगी मुझे 9 बजे जाना है. ये हमारे यहाँ जेंडर बायस्ड है. अगेन ये एक और बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया का, ठीक है ना. तो अगर अपन ने बात करा कि जॉबलेस ग्रोथ के बारे में बात कर ली हम लोगों ने. अच्छा, जॉबलेस ग्रोथ का एक और पॉइंट ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन ग्रोथ हो रही है तो कहीं ना कहीं जॉब जा रहे हैं. सर इसका मतलब क्या? बहुत प्रैक्टिकली बात करूं कि अगर बैंक्स हैं तो अगर बैंक्स में सब कुछ चीजें वो लोग बोल रहे हैं ऑनलाइन ही हो जाएंगे. आप अपना अकाउंट खुद खोल सकते हो, पैसे खुद ट्रांसफर कर सकते हो, तो अब बैंक में जितना एम्प्लॉयमेंट उतने लोगों की जरूरत ही नहीं. इस बात की जरूरत, कैशियर पहले 2 या 3 होते थे, आजकल एक ही कैशियर की जरूरत है. कोई कैश निकालने आते नहीं, कैश डिपॉजिट करने भी नहीं आता, क्योंकि मैक्सिमम चीजें क्या होगी, कट बैंकिंग में तो होगी. ऐसा एक जगह पे नहीं होगा, ऐसा हर जगह पे. अगर आज कोई मुझे बोले कि सर आपको कोचिंग के लिए बहुत सारे फैकल्टीज चाहिए, मतलब नहीं चल रहा, मैं अपने सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर लूंगा, सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा, चिंता मत करो, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, कुछ और देख लो. तो सर इससे क्या हुआ? टेक्नोलॉजी तो नहीं आ गई, लेकिन इससे एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ? कम हो गई. अगर कॉलेज में ऑनलाइन आए तो पहले क्या होता था, ऑफलाइन में क्लासेस में अलग अलग फैकल्टीज की जरूरत थी, क्लासेस को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना. अब चीजें ऑनलाइन हो गई, एक ही फैकल्टी को बोलने लगे, तीनों सेक्शन को साथ में ज्वाइन करा दे, जूम मीटिंग पढ़ा दे, तो 2 फैकल्टीज का जॉब चला गया. तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण ग्रोथ जरूर हो रही, बट कहीं ना कहीं जॉब जनरेट नहीं हो रही, ठीक है ना. तो अगेन एक और क्वेश्चन अभी बुक में आपको दिया हुआ है, व्हाई वी आर मोर रिलाइंग ऑन टेक्नोलॉजी देन ऑन एम्प्लॉयमेंट मतलब ये अगेन एक क्वेश्चन है कि हमको टेक्नोलॉजी पे रिलाय क्यों है देन ऑन कहते हैं अगर एम्प्लॉयमेंट से. पहली बात तो बताऊं कि हमारी जो मोस्ट ऑफ दी कंट्री होगी वो एमएनसी ड्रिवन है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज. आज मुझे किसी भी काम के लिए कोई रोबोटिक सिस्टम ज्यादा इजी लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई रोबोटिक है या कोई ऐप बेस्ड सिस्टम है तो उसके गलती होने के चांसेस क्या है? कम. ऑन द कॉन्ट्री कोई ह्यूमन वर्क कर रहा है तो उसके क्लरिकल एरर होने के चांसेस क्या है? ज्यादा. अगर मैं बात करूं सेकेंड, तो यहां से आपका एक्सेस क्या होता है? हाई. अगर आप किसका टेक्नोलॉजी की तरफ एक्सेस क्या हो जाए? हाई. अगर मैंने कोई सिस्टम या कोई ऐप डेवलप कर ली किसी चीज के लिए तो उस चीज से मैं पैन इंडिया वर्क कर सकता हूँ या मैं बोलूँ पूरे वर्ल्ड में वर्क कर सकता हूँ. हाँ, आप और मैं अगर आज कुछ यूडेमी के थ्रू पढ़ रहे हैं या कोर्सेरा के थ्रू पढ़ रहे हैं तो ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका ओरिजिन ही कहाँ से है? यूएस से. तो ये यूएस यूके के थ्रू ऐसी वेबसाइट है, तो आपको कुछ भी पढ़ना हो पढ़ लो, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का सर्टिफिकेट मिल जाएगा. तो ये क्या है? ये यहाँ पे जॉब नहीं है, यहाँ पे क्या काम कर रही है? टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सेस हाई हो जाता है. अगर मैं बात करूं थर्ड, अगर मैं बात करूं तो इन लार्ज स्केल कॉस्ट सेविंग होती है क्या टेक्नोलॉजी देन एम्प्लॉयमेंट. अगर मुझे कोई ऐप बनवाने में 1 करोड़ रुपए का खर्चा लग रहा है और उसके कारण मैं 10 एम्प्लॉयज का काम उस ऐप पे कर सकता हूं, तो 10 एम्प्लॉयज को जिंदगी भर पे करते रहने से अच्छा मैं उस ऐप को डेवलप करा लूं, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट एफिशिएंट, ठीक है ना. एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, इवन अगर आज अपन 2021 में बैठे हुए हैं तो बहुत प्रैक्टिकली अगर आप सोच रहे हो कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाले जॉब कर रहे हो या आप जो पढ़ रहे हो उससे आपको बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, नहीं. अगर आपकी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा, अगर आपको कोडिंग आती होगी, अगर आपको विथ रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी आप अपग्रेडेड होंगे तो आपको जॉब मिलेगा, वरना आप में से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड बैठे रहोगे डिस्पाइट बीइंग क्वालिफाइड फ्रॉम वेरी गुड स्कूल्स आल्सो. तो ये ध्यान रखना, चेंज इज द समथिंग विच वी हैव टू एक्सेप्ट. चलें अगर चलें अभी नेक्स्ट है इंडिया की अगली प्रॉब्लम, वर्ड यूज करिएगा कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन. ये इंडिया की दूसरी प्रॉब्लम, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. तो इसका मतलब क्या है? पहली बात तो अगर मैं आपसे बोलूं सिस्टमेटिकली कि 17-18 के हिसाब से अगर मैं बहुत
प्रैक्टिकल बात करूं तो 2017-18 का डाटा ये बोलता है कि इंडिया का 25% ऑफ द वर्कफोर्स कैजुअल वर्कर्स। सर कैजुअल वर्कर्स मतलब क्या, जो ऑफिशियल वर्कर्स नहीं, जिनको काम पड़ेगा बुला लेंगे, दो महीने के लिए बुला लेंगे फिर छुट्टी दे देंगे, फिर तीन महीने के लिए बुला लेंगे फिर छुट्टी दे देंगे, गेटिंग इट। तो कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या या कैजुअल वर्कर का मतलब क्या, तो कैजुअल वर्कर्स आप समझो एक प्रकार से आर दोज वर्कर्स विच आर हायर्ड ऑन डिमांड, हायर्ड ऑन डिमांड, दे आर नॉट परमानेंट वर्कर्स। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि आज कोई अपने आप को एम्प्लॉयड कैसे, उसको पता है कि कंपनी में कोई एक दो महीने मेरा काम होगा बुलाएगी तो निकाल देगी। अब ऐसा अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो आप देखिएगा बहुत बड़े बड़े जो कॉलेजेस होते हैं उनके लिए कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं, टेलीकॉलर्स, टेलीकॉलर्स और विजिटिंग फैकल्टी। टेलीकॉलर्स तो बहुत ही ज्यादा, उनको पता है कि अप्रैल से लेके लेट से जुलाई तक बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो दे नीड लार्ज नंबर ऑफ व्हाट, टेलीकॉलर्स, कि बच्चों कॉल करना है, काउंसलिंग करनी है। अब साल भर तो काउंसलिंग नहीं करनी, तो अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में कम से कम अपने कॉलेज में 100-200 टेलीकॉलर्स कंप्लेंट करते हैं कि आप बच्चों को कॉल करो, कॉलेज के बारे में बताओ, फिर बच्चा है उसकी काउंसलिंग करो, जुलाई खत्म, बच्चे का एडमिशन, सबको बाय बाय। जरूरत क्या, आप पढ़ा सकते नहीं, कॉलेज किसी और काम आओगे नहीं, आप 100-200 टेलीकॉलर हम रखेंगे क्या कि नहीं, तो ये कौन से वर्कर्स हो गए, कैजुअल वर्कर्स हो गए। इवन विजिटिंग फैकल्टीज भी क्या हो गए, कैजुअल वर्कर्स, आप ये सब्जेक्ट पढ़ाना है इसके लिए आपकी जरूरत है, आपके परमानेंट नहीं। तो इंडिया की 25% ऑफ द वर्कफोर्स क्या है, कैजुअल वर्कर्स। किसी कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, उसको ऑर्डर के लिए कुछ नए वर्कर्स चाहिए, उसने 25 वर्कर हायर कर लिए, ऑर्डर खत्म हो गया, वो वर्कर्स गए, तो क्या वो परमानेंट वर्कर हुए, नहीं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा हर नेशन में ऐसा नहीं होता है, हर मैक्सिमम नेशन जो बड़े बड़े नेशन है उनके पास परमानेंट वर्क फोर्स होती है, या किसी को वो जॉब देते हैं तो ऑन परमानेंट बेसिस देते हैं, या उसको मिनिमम वेज गारंटी करते हैं। गारंटी मतलब एक काम होना हो कंपनी के पास, आपको इतना पैसा या इतने डिग्री का वर्क को मिलेगा। सेकंड, हमारे यहाँ क्या है ना, एक दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है इनफॉर्मलाइजेशन। देखिएगा एग्जाम्पल बात करता हूँ, आज अगर मेरी कोचिंग पे कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, या मेरे पापा के शॉप पे कुछ लोग वर्कर्स काम कर रहे हैं, जितनी भी शॉप्स पे जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो कपड़े की शॉप हो, शूज की शॉप हो, किराने की शॉप हो, पहली बात चलो सर वो तो सालों साल से काम कर रहे हैं, पर आपने बोल के रखा हम निकालेंगे भी नीचे वर्कर्स, तो इसका मतलब वो कैजुअल वर्कर्स तो नहीं हुए, वो इनडायरेक्टली परमानेंट वर्कर्स हो गए। आपने उनको बोला चलो ठीक है हमारे यहाँ वर्क कर रहे, पहली बात कोई गारंटी नहीं कि उनको निकालोगे, निकाल तो कोई भी सकते हो। अब लेकिन यहाँ पे जो मेरे पापा के शॉप पे जो वर्कर वर्क कर रहा है, क्या उसका उसको कोई ईपीएफ मिलेगा क्या, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड की चिंता मत कर, तू जब रिटायर्ड होगा ना तो तेरे बच्चों के लिए हम हर महीने देखो 30,000 रुपए देना शुरू करेंगे या 15-15। सर कोई ईपीएफ है क्या, नहीं। कोई हाउस रेंट अलाउंस है क्या, कि कभी कहते हैं तुम इतने महंगे शहर में रह रहे हो तो तुमको हर महीने काम को कुछ एचआर मतलब 500-1,000 रुपए या 2,000 रुपए रहने के जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो, एक होता है डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई बढ़ रही है, ऐसा कुछ है नहीं। क्या ये इवन हमारी सैलरी शीट पे बहुत ज्यादा लिस्टेड भी है क्या, नहीं। मतलब इनको हमने कोई ऐसा कोई परमानेंट ऑफर लेटर नहीं देके रखा है। आपको सोचो किसी किराने वाले क्या कोई वर्कर का काम कर रहा है तो जब उसको जॉब लगता है बोलते हैं ऑफर लेटर दे, कब ज्वाइनिंग डे, ज्वाइनिंग डेट लिखनी है, एक्सपीरियंस काउंट होगा, ऐसा होता है। तो आप चेक करो इंडिया की जितनी भी मैक्सिमम शॉप्स या मैक्सिमम फैक्ट्रीज है वहां पे जितने वर्कर काम कर रहे हैं, क्या वो फॉर्मल वर्कर है कि इनफॉर्मल वर्कर्स, इनफॉर्मल, उनका कोई पीएफ नहीं है, उनका कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, उनको कोई जॉब की गारंटी नहीं है। तो ना तो वहां पे कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना तो वहां पे कोई जॉब गारंटी है, ना तो उनका कोई एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है। अब ऐसे में कुछ लोग 4 महीने काम करते फिर काम नहीं करते, या 6 महीने काम कर रहे हैं लेकिन उनका एचआर नहीं मिल रहा है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ना तो उनका एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है। इसका मतलब इनको एम्प्लॉयड माना जाए कि अनएम्प्लॉयड माना जाए कि सेमी एम्प्लॉयड माना जाए, और अगर आप कोई एम्प्लॉयड मान भी रहे हो तो जब ये 40-50 की एज पे आ जाएंगे, आप चेक करो किसी दुकान पे कोई 50 साल का कोई अंकल काम कर रहा है, तो क्या उसके जिस जॉब पे वो काम कर रहा है पिछले 20 साल से, क्या वो शॉप कोई गारंटी देती है कि आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को हम कुछ दे देंगे, या आपके जैसे मैं आप रिटायर्ड होकर जितने रुपए दे देंगे, कोई गारंटी नहीं। दिस इज द बिग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया कि यहाँ पे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स बहुत ज्यादा। तो अगर अपन बात करें कि इनफॉर्मलाइजेशन का एग्जैक्टली कितना परसेंट है जितना दिख रहा है, तो अप्रोक्स 52.2%। मतलब आज मेरे यहाँ पे जो फैकल्टी काम कर रहे हैं, जितने फैकल्टी काम कर रहे हैं,
क्या वो फॉर्मलाइज कहलाएंगे कि इनफॉर्मलाइज कहलाएंगे? इनफॉर्मल। मैंने उनको जब तक कोई जॉब लेटर इनके रखा है, कोई गारंटी नहीं देखी रखी है, उनका एक्सपीरियंस काउंट। अगर मैं किसी कॉलेज में काम कर रहा हूँ तो फॉर्मल सेक्टर। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे को जॉब लेटर दिया है, ऑफर लेटर दिया है, मेरे पीएफ से लेके हर एक चीज का ध्यान वो रखेंगे अगर मैं परमानेंट फैकल्टी हूँ तो। गॉट इट? तो इंडिया में चाहे जो गांव में काम कर रहे हैं, पहली बात तो आप इंडिया के 44% अभी लोग का काम कर रहे हैं गांव। अगर गांव में किसी भी काम का ऑफर लेटर दिया जाएगा, सैलरी शीट पर उसका नाम लिखा हुआ होगा? नहीं। इसका मतलब वहां पे जितने लोग काम कर रहे हैं सब क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर। गेटिंग इट? अगर आप लोगों ने सो कॉल्ड ट्रेंडिंग पुष्पा देखी तो पुष्पा जो दिहाड़ी वर्कर थे, एक दिन 1000 रुपए लेना, 100 रुपए लेना, ये सब क्या फॉर्मल सेक्टर? कौन सा सेक्टर है? इनफॉर्मल सेक्टर। आया समझ में? तो ये इंडिया की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि बड़े बड़े नेशंस में नहीं है, और यही एक कारण है इंडिया से माइग्रेशन का कि यहाँ पे एक तो जॉब अच्छा मिलता नहीं और फॉर्मल सेक्टर में जॉब मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है ना? तो ये एक दूसरा इनपुट हो गया। अगर अपन थोड़े से और चीजों पे फोकस करें तो एक पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कि जो मैक्सिमम सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे अगर मैं मेरी कोचिंग खोल के पढ़ा रहा हूँ, कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के पढ़ा रहा है वैसे, लेकिन ऐसे मैक्सिमम सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स रूरल एरिया में पाए जा रहे हैं ना कि अर्बन एरिया। तो अगेन ये अलार्मिंग फैक्ट है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, अगर मैं बात करूं तो इनफॉर्मलाइजेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करेंगे इसके बाद ज्यादा से ज्यादा कि जो मेन चीज है वो है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आता है, तो एक बार देख लो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना? अभी बहुत सिस्टमेटिक समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। पहला है तुम्हारे पास जो आप जानते हो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अलार्मिंग फैक्ट है कि जहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, जहां पे आपको 4 वर्कर्स की जरूरत है वहां पे आपने 8 वर्कर्स एम्प्लॉय करके। सो ऐसा कहां पे होता है? सबसे पहले बात तो फार्मिंग। अब सीधी बात है, किसान का एक फार्म था, अकेला भी पूरे फार्म हाउस को फार्म को संभाल रहा था, कुछ नहीं करे, 5 बच्चे पैदा कर दिए, बोला लो 5 संभालो। अभी 5 खुद को क्या कर रहे हैं? बोल रहे देखो हमारा फार्म है, हम काम कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयड है। क्या ये वाकई में एम्प्लॉयड है? सर इस फार्म में तो एक किसान संभाल रहा था, जैसा 2 बेटों को देता तो 2 लोग भी संभाल सकते थे, तो जो बाकी 3 हो गए वो क्या हो गए? डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड। अगर आपका फैमिली बिजनेस है और पापा उस शॉप को संभाल रहे थे या पापा और चाचू उस शॉप को संभाल रहे थे, घर में पापा के 2 बच्चे, चाचू के 3 बच्चे, बोले हम भी ये शॉप ही संभालेंगे, अरे 5 इसी शॉप पे आके बैठ गए, तो क्या ये 5 एम्प्लॉयड है? नहीं, ये खुद को मूर्ख बना रहे कि हम एम्प्लॉयड है, ठीक है ना? क्योंकि उस शॉप पे जरूरत कितने लोगों की थी? 2 या मैक्सिमम 3 लोगों की। पापा आपने 5 दिन लगा दिए तो वहां पे जो बाकी बचे हुए 2 हो गए वो क्या हो गए? डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू दैट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर मोर पीपल या मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड than the required ones. तो indirectly ये लोग indirect underpaid हो जाते हैं, ठीक है ना? अगर अपन बात करें second type के unemployment की, तो second type का unemployment होता है आपके पास seasonal unemployment. जैसे seasonal unemployment अपन वैसे बहुत सीधी बात करूं तो अच्छे से example देखना हो तो सबसे अच्छा example है इसमें, अगर आप कोई गन्ने के रस वाला देखते हो, अब गन्ने का रस वाला क्या साल भर गन्ने का रस चलाए? नहीं। तो इसका मतलब सीजन आया तो वो आ गया, सीजन जाएगा वो चला जाएगा। गेटिंग इट? अब कुछ लोग विंटर में कुछ विंटर क्लॉथ बेच रहे आते हैं, अगर उसके मार्केट लगते हैं तो ये जो विंटर क्लॉथ के जो मार्केट लगते हैं, क्या लोग गर्मी के सीजन में विंटर क्लॉथ पहनेंगे क्या? नहीं। तो ये सीजन में एम्प्लॉयड है, जब सीजन चला गया वो क्या है? अनएम्प्लॉयड। जब किसी खेत में अगर हम थ्रेशिंग होती है या फसल की कटाई होती है तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिलता है, क्योंकि खेत में पूरे फसल को काटना है उसको मार्केट में बेचना है। एक बार वो कटाई हो जाए फसल की, उसके बाद क्या लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? नहीं। तो जब उसका सीजन आया तब वो एम्प्लॉयमेंट हो गया, और जब सीजन गया तो वो क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट। तो दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा हो गया आपका? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट।
बता रहा हूं। तीसरा अगर मैं बात करूं तो एक होता है आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है, अभी आप चेक कीजिएगा जो अभी आपने थोड़ा बहुत फेस करा ना, कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जब बिजनेस के साइकिल के कारण अनएम्प्लॉयमेंट आता है। जैसे एग्जाम्पल, जब इकोनॉमी रिसेशन पे आती, अभी जब कोरोना आया था तो आधे लोगों को बोला था भाई अब आपकी जरूरत नहीं, आप इकोनॉमी कायम आ गई, रिसेशन में आ गई, इकोनॉमी कायम आ गई, डिप्रेशन में। तो अगर इकोनॉमी में रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, तो बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, रीजन बीइंग जब उनकी जरूरत नहीं रहती। तो अगर इकोनॉमी मंदी में चल रही है, आज समझे एग्जाम्पल, अगर शेयर मार्केट गिर रहा है और गिरते आता है और गिरते आता है, तो बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी। तो उस समय जो लोग अनएम्प्लॉयड हुए उसको क्या बोलेंगे, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मैं आपको बात करूं तो एक आपका रहता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मैं बात करूं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब तक भागने के बीच, आप कंपनी एक्स में काम करते हो और आपकी इच्छा है मैं ये कंपनी छोड़ दूं, तो आप यहाँ पे जनवरी में रिजाइन डालते हो और आप बोलते हो मैं तो फट से कंपनी वाई ज्वाइन कर लूं, लेकिन कंपनी वाई आपको बुलाती ही अगस्त में, लेट्स से, या आपका इंटरव्यू क्लियर ही अगस्त में होता है, तो ये बीच के 8 महीने के लिए आप अनएम्प्लॉयड रहे, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड, व्हेन अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड इन सर्च ऑफ अ न्यू जॉब, इन सर्च ऑफ अ न्यू जॉब, ही इज नॉट, दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज व्हाट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मैं आपको और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताऊं तो एक होता है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत लोगों की जॉब चली जाती है। आपको ये बात पता ही चलती कि इंडिया का हैंडीक्राफ्ट काफी फेमस था, लेकिन सर टेक्नोलॉजी आई, बड़ी बड़ी मशीन आई, और वही सारी डिजाइन जो कभी हाथों से बनाई जाती वो सारी मशीन से बनाई जाती, ठीक है। पहले क्या था ना, आर्किटेक्चर या डिजाइन बनाना अच्छा काम था, आजकल ऑटोकैड और ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसपे आप डायरेक्टली बनी बनाई डिजाइन मिल जाती, बनी बनाई टेम्पलेट मिल जाती। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली बताऊं तो हमने कैनवा डाउनलोड कर रखा है, उस कैनवा पे आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो और 5 मिनट में डिजाइन मिल जाए। पहले उस डिजाइन को क्रिएट करने के लिए आपको 3-4 एम्प्लॉइज चाहिए जो डिजाइन क्रिएट करें, अब कैनवा पे आपको मिल गई। तो इन शॉर्ट आप समझाना कह रहे हो कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। सर अगर हम बात करूं तो इस एम्प्लॉयमेंट की, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, when government of a nation is not able to provide, employment to its total labor force, in such kind of unemployment is known as open unemployment. This is maybe due to the lack of resources, maybe due to the technological अपग्रेडेशन। सीधी बात है, सरकार आपको जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रही और आप इतने सारे अनएम्प्लॉयड हो, तो उस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। विश्वास मानिए बड़ा अच्छे टाइम में जब आप लोग एजुकेट हो जाओगे तभी ओपन एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट खत्म होने पर होगा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना डेवलप्ड, यूएस यूके में बच्चा को बड़े होकर जॉब की चिंता नहीं होती, उसको पता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर 1 लाख है लोग कंट्री में सिर्फ 90,000 ही, मतलब मेरे को जॉब तो मिलेगा, दे आर प्रीटी श्योर ऑफ द जॉब। हम लोग जो इतनी मेहनत करते हैं, जो इतने टेंशन में रहते हैं, जो बच्चा पैदा होता है तो उसके कुछ क्या करेगा बड़ों के, हमको पता है कि इंडिया में प्रॉब्लम इस बात की जॉब अपॉर्चुनिटीज 2 लाख और मांगने वाले 20 लाख, तो इसी कारण हमारे यहाँ पे ओपन एम्प्लॉयमेंट खाली फैला हुआ। क्यों? कि सबको तो नहीं मिलेगा कन्फर्म, जिसको मिलेगा वो लकी, जिसको नहीं मिलेगा वो अनलकी, या वो अनएजुकेटेड है या वो अंडर क्वालिफाइड है, ठीक है ना। धीरे धीरे चीज कम हो रही, तो दिस इज ओपन
अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक का पार्ट था। अभी कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे अपन पढ़ेंगे, लेकिन वो आने वाले लेक्चर्स